अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और अभी मैं हूँ स्पेन बार्सिलोना में अपने हॉस्टल में, यूथ हॉस्टल जो मैंने बुक किया था। तो ये मैंने 2 दिन का बुक किया था, 25 से लेके 27 तारीख तक का, ठीक है। और यहाँ यूरोप का वही सीन है कि आप चेक इन कर सकते हो दोपहर के 3 बजे के बाद, तो इसलिए मैंने 25 का पहले ही बुक किया था। मुझे पता था मैं 26 को सुबह आऊँगा तो फिर ये चेक इन करने देंगे नहीं। कैसा रास्ता है भाई। तो क्या होता है, मैं अभी आता हूँ तो वो मुझे कहता है कि यार आपको तो 25 की बुकिंग थी, अब तो हमने आपका रूम कैंसिल कर दिया। मैंने कहा भाई ऐसे कैसे कैंसिल कर दिया, मैंने बुक ही इसलिए कराया था कि तुम लोग चेक इन नहीं करने देते हो, प्लस मैंने तुमको टेक्स्ट भी डाला था, मेल भी डाला था। फिर उसने 15 मिनट खपाए। मैंने कहा भाई मैंने या तो रिफंड दो या फिर मुझे यहाँ रहना है। 15 मिनट खपाने के बाद फाइनली बंदा माना, कार्ड मिल गया, 1 घंटा सो के जाऊँगा घूमने। और अभी मैं जा रहा हूँ जो FCB फुटबॉल क्लब है उसके फुटबॉल ग्राउंड में, बड़ा मशहूर है। मैं दिखाता हूँ मेरे हॉस्टल से कैसे कैसे उसका रास्ता पड़ता है। इसके बाद इंशाल्लाह आगे एंट्री अगर पॉसिबल हुई तो एंट्री लेके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं आ गया हूँ मेट्रो में और वो जो स्टेडियम है उसका नाम है स्पॉटिफाई। वहाँ जाने के लिए पहले मुझे L3 की मेट्रो लीसीयू में मैं हूँ, मुझे यहाँ से पलाऊ रियल तक लेनी होगी, ठीक है। मैं दिखाता हूँ मेट्रो का क्या हिसाब है। देखो मेट्रो जाने के लिए ये टिकट है ना, इसको यहाँ डालो गुर्जा भाई, ये यहाँ से निकल आएगी आपकी टिकट और ये गेट तभी खुलेगा, ठीक है। और ये जो टिकट है ना मेरी, ये मैंने 11 यूरो 20 सेंट में परचेज़ की थी, जिसमें मैं 10 ट्रैवल कहीं भी कर सकता हूँ। एक मैंने सुबह ही कर लिया था आने के लिए अपने हॉस्टल में और एक मैंने अभी कर लिया है। और जैसे मैंने अभी इसको पंच किया तो मैं 1.5 घंटे तक जितनी मर्जी मेट्रो बस कहीं भी जाऊँ वो एक ही काउंट होगा। तो ये बेनिफिशियल है मेरे हिसाब से, 1-2 दिन के लिए आ रहे हो तो यही वाली लेना, फालतू में डे पास मत लेना क्योंकि जो 2 दिन रुक रहा है उसको महंगा पड़ जाएगा। तो मैं तो फिलहाल 2 दिन का स्टे है इसलिए 10 ट्रैवल इनाफ है। ये मेट्रो आ गई, स्पेनिश मेट्रो देख लो कैसी होती है। चलो 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 गाइस। और इस वक्त हम जा रहे हैं स्पॉटिफाई कैंप नू। ये जो है स्टेडियम है, बार्सिलोना का स्टेडियम है और इसका नाम स्पॉटिफाई इसलिए पड़ा है क्योंकि अभी इनके बीच में जो है स्पॉन्सरशिप वाला मामला हुआ है, अदरवाइज पहले से स्पॉटिफाई नाम से नहीं था इसका। और इस स्टेडियम की खासियत ये है कि ये दुनिया का जो है सेकेंड बिगेस्ट स्टेडियम है अपने एरिया के अतबार से। पहला वाला गेस करो कहाँ है, बताऊँ कहाँ है, नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। कहने को फुटबॉल स्टेडियम है, मैंने तो नहीं सुना कोई मैचेस वहाँ होते हुए, और यूरोप का सबसे बड़ा स्टेडियम यही है, ठीक है। अब इसकी टीम जो है FCB, वो तो उसके तो इंट्रोडक्शन कराने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत लोग जानते हैं उसको इंडिया में। मैं वैसे उतना फुटबॉल फ़ैन नहीं, उतना मैंने फॉलो नहीं किया है फुटबॉल, लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने रिसर्च की है थोड़ा स्टेडियम के बारे में। 1954 में बनना स्टार्ट हुआ था, 1957 में इसकी इनाग्रेशन हुई थी, उसके बाद से इसमें लगातार मैचेस हुए हैं। और इसकी वैसे कैपेसिटी तो 99,000 है, लेकिन एक बार ना जुवेंटस के अगेंस्ट इसका मैच था और उस मैच में करीब 1,20,000 लोग बैठे थे। बैठे क्या थे मतलब, तो तबाही जैसा हो गया था। तो अभी मैं देखता हूँ अगर टिकट्स अवेलेबल हुई तो जाता हूँ, टिकट लूँगा और एक हल्का सा विजिट लिया जाएगा कैसा है। अच्छा, अपने मेन स्टेडियम उस तरफ है और ये वॉकेबल है, 400 मीटर होगा उससे लगा हुआ। यहाँ पे एक स्टेडियम है बच्चे लोगों का, आई थिंक पता नहीं कोई मैच चल रहा है यहाँ पे। और भाई क्या टूरिज्म है यहाँ का, इतने बंदे आए हैं। फालतू में लोग चीयर कर रहे हैं खड़े होकर, जानते भी नहीं है किसको चीयर करना है, ऐसे ही चीयर कर रहे हैं। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, मंडे से लेके सैटरडे तक ये शाम में 6:30 बजे तक खुला रहता है स्टेडियम, लेकिन संडे को आ गए तो 2:30 बजे बंद हो जाता है, तो उसके हिसाब से प्लान करके आना। ऐसा बहुत सारे टूरिस्ट को क्या करते हैं कि सैटरडे संडे प्लान करते हैं, फिर सोचते हैं संडे विजिट करेंगे और लेट हो जाता है तो फिर यार आना वर्थ नहीं रहेगा। मुझे नहीं लगता आज मैं विजिट कर पाऊंगा, जो भीड़ मुझे दिख रही है क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। अच्छा एंटर होते ही भीड़ इतनी है यार, एंटर होते साथ ही ना आपको साइड में बहुत सारी शॉप्स दिखेंगी। मुझे नहीं पता ये वाकई उन लोगों की FCB वालों की है कि फिर ऐसी लोकल से दुकान है,
पर ठीक है यार, मतलब मैंने क्वालिटी देखी थी फुटबॉल जर्सी की, बहुत सही थी। मतलब ऐसी क्वालिटी पे इंडिया में नहीं मिलेगी आपको, और मिलेगी भी तो बहुत महंगी मिलेगी। खैर सस्ती यहाँ पे भी नहीं है, लेकिन चलता है इतना। अच्छा इसकी प्राइसिंग देख लो, अगर जनरल टूर करना है तो 3100 यूरो का है, और अगर आप 70 साल से ऊपर हो या फिर आप मतलब समझ रहे हो ना 70 पार हो गए तो 24 यूरो 50 सेंट का है, और अगर 4 से 10 साल के बीच में हो तो भी उतना, और अगर 3 साल से पैदा होने से 3 साल तक फ्री है, और जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनके लिए 19 यूरो का। तो ना इंसाफी हमारे साथ होगी, अभी 31 यूरो देना पड़ेगा, वो भी मैं शायद ही दूंगा। बहुत भीड़ है, ये भीड़ देखो यार, क्या मज़ा आएगा इतने में लोगों में घुसने में, खाली होता तो मज़ा भी आता। चलो ठीक है, फिर भी देखता हूँ यार। बहुत ज़्यादा भीड़ है यार। टिकट लेने के लिए लाइन लगी है करीब करीब 1 किलोमीटर होगी। मेरा तो दिल नहीं कर रहा यार, स्टेडियम देखने के लिए 30 यूरो मांग रहे हैं। चलो वैसे मैं स्टोर पे जाता हूँ, वैसे भी मैंने जर्सी एक लेनी थी, और मेरे को स्टेडियम से तो मतलब नहीं है, पर यहाँ का एम्बियंस बड़ा प्यारा है। बार्सा स्टोर में जाता हूँ, देखते हैं आगे। तो देख लिया मैंने ये पूरा स्टोर, म्यूज़ियम हो सकेगा अगर फ्री रहूँगा तो जाऊँगा, वैसे उसकी लाइन भी बहुत लंबी है यार। उसके अलावा मुझे यहाँ पे कोई खास इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, इससे अच्छी अच्छी जगह है बार्सिलोना में घूमने के लिए। कहीं भी फुटबॉल लेके बच्चे यहाँ चालू हैं, देखता हूँ यार। यार इतनी महंगी है इनका प्राइस है यार, 40 यूरो 50 यूरो। मैं जा रहा हूँ नीचे क्योंकि यहाँ पे प्रिंटिंग वाला ऑप्शन है, प्लस काफ़ी सारा ऑप्शन है यार, फुटबॉल भी यहाँ पर बहुत सारी पड़ी पर बहुत महंगी है। ऑब्वियसली क्वालिटी तो बहुत ही अच्छी होगी, दिखाता हूँ। प्रिंटिंग लैब आ गया, जर्सी, वाटर बॉटल, सनग्लासेस, सब चीज़ समझ में आता है मुझे, बस एक चीज़ समझ नहीं आई, ये भाई इतना बड़ा बच्चा किसका फुटबॉल का फ़ैन हो गया यार, और कौन पहना रहा है उन्हें? और तुम मानोगे नहीं, ये झोला जो हम अपने कपड़ों के साथ फ्री में उठाते हैं दुकान से, ये यहाँ पे करीब करीब 20 यूरो का है। FCB का झोला 20 यूरो का, 2000 रुपये का, भाई क्या नाटक है यार। ये वाला जोन देख लिया मैंने, बहुत अच्छा था। और यार एक चीज़ काम की है यहाँ पे, वाईफाई इन्होंने दे दिया है फ्री सबको, बस रजिस्टर करो अपना ईमेल आईडी नाम डाल के, फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसको यूज़ करो। बस मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ यार, और भी जगह विजिट करनी है मैंने, ठीक है। भीड़ बहुत ज़्यादा है, देख ही रहे होंगे आप। ये यहाँ पे ऐसे बस में खिला रहा है, स्मेल बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन रोज़ा है मेरा, अदरवाइज मैं खा लेता। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। जर्सी लेनी थी मैंने, बट मैंने नहीं ली, मैंने इसलिए नहीं ली, फिर इसका बात है ना, उसका प्राइस मैं बताता हूँ। प्राइस 100 यूरो, 200 यूरो, और जिस पे ना स्पॉटिफाई लिखा हुआ है, जिस पे जो भी नया उनका ब्रांड है, वो 300 यूरो 400 यूरो, ठीक है। यही सेम जर्सी आप ओरिजिनल नाइकी वाला जो है उसके उस स्टोर से उठाओ, आपको इंडियन करीब समझता हूँ मैं 3-3.5 हज़ार में मिल जाएगी। ये इतने पैसे आपसे किस बात के ले रहे हैं? सिर्फ इस बात के क्योंकि आप यहाँ आके और उनकी ब्रांडेड, उनका जो टिक लगा हुआ है, उनका स्पॉटिफाई बना है, उससे आप उठा रहे हो। हाँ तो मैं कह रहा था कि क्या कैपिटलिज्म है कि यार बंदा सोचे भी ना ना, मतलब लोगों की अकल को इतना मार दो कि बंदा 25,000-30,000 लगाने से पहले सोचे भी ना। मुझे यहाँ पे कई लोग दिखे इंडिया से, पाकिस्तान से, जो है ले रहे थे जर्सी 300 यूरो 400 यूरो। हमें हमारे मुल्क के हालात पता है, मैं नहीं किसी को जज करता, वो किस फैमिली से, किसी भी फैमिली से हो, मेरे हिसाब से 30-40 हज़ार की एक टी शर्ट खरीदना
वो भी वहाँ आके तुमको कोई कुछ दे देता उसके साथ, एक मैच ही देखने दे देता तो भी बात होती। मैच की टिकट है 60 यूरो की, तुम जर्सी ले लो 400 यूरो की। और मुझे चीज़ समझ नहीं आती, ये चीज़ों ने, ये बिजनेसमैन ने आम बंदों के मेंटल मॉडल्स इतने बदल दिए हैं ना कि यार शायद मेरे जगह कोई और बंदा होता ना वो अपना सारा पैसा लगा के एक जर्सी ले ही लेता। इतना ज़्यादा लोग इसके अंधभक्ति में उतर आए हैं। अंधभक्ति सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होती है यार, हर जगह होती है, सिनेमा में होती है, स्पोर्ट्स में होती है। तो अब आप सोचोगे कि ऐसा करते क्यों हैं ये, कि करते इसलिए क्योंकि जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं, जो वाकई एक बड़े इश्यूज़ हैं, जैसे कि हंगर हो गया, करप्शन हो गया, उससे पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए एक तमाशा करते हैं। मैं नहीं कह रहा फुटबॉल नहीं देखना चाहिए, फुटबॉल देखो यार, फुटबॉल तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन उसके पीछे इतना पागल यार, मैंने यहाँ बंदे देखे हैं वो जब उसने कहा कि 2 बजे के बाद अभी टिकट नहीं मिलेगी वो पूरे पागल हुए जा रहे हैं। मेरे हिसाब से यार ये चीज़ ठीक नहीं है। खैर अभी मैं निकला हूँ, मैं अपना ये बस एक थॉट था जो मैं शेयर करना चाहता था। और ये ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आने के बाद से ऐसा सोचता हूँ, आप में से जो लोग मुझे पहले से जानते हैं कि मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि यार इन्जॉय करो स्पोर्ट को, अंधभक्ति सही नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। और लेकिन मेरा तो टूर जारी रहेगा इंशाल्लाह, अगली जो डेस्टिनेशन से उनका अपडेट आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, खुदा हाफिज़।